नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। अपनी आत्मकथा लोक मांझे संगति के विमोचन के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर विराम देना है। शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के तुरंत बाद एनसीपी नेता और कार्यकर्ता ने पार्टी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। ज्यादातर ने शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की। उन्होंने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से कहा कि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो बेहतर काम होगा। शरद पवार के इस्तीफे पर अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले सत्ता परिवर्तन की जरूरत की बात कही थी। उनके इस फैसले से उन्होंने उनकी उम्र और सेहत के लिहाज से भी देखना चाहिए। हमें इसे वापस लेने के लिए उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। जो भी नया अध्यक्ष होगा वो पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने अब निर्णय ले लिया है कि वो पार्टी लेके नए नेतृत्व को भी मौका मिलना चाहिए। वो नया अध्यक्ष पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस दौरान जो है खुलकर के सामने आई, जिसको लेकर के अब कयास और अटकलें जो है वो तेज हो चुकी हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में हम आपको बताते चले कि कई नेताओं ने शरद पवार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। तो वहीं पर इस दौरान अजीत पवार ने सुप्रिया सूले को भी कुछ नहीं बोलने की सलाह दी है। अजीत पवार ने कहा है कि यहाँ पर जो है मैं उनका बड़ा भाई हूँ और इसलिए मैं उन्हें ये सलाह दे रहा हूँ कि वो एनसीपी के एक और दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा है कि शरद पवार ने जो फैसला लिया उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस वक्त ये पूरा मामला बेहद ही आसान है और बेहद ही नरमी के साथ हो जाए, लेकिन हम देखें तो यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा खुलासा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।